हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम निकालना कि किस प्रकार हम संख्या को देखते ही उसका चुटकी के अंदर एलसीएम निकाल दे। जैसे कि दोस्तों, मैंने ये संख्या देखी, संख्या को देखते ही मैं पहचान गया तो इसका एलसीएम कितना होगा, 312 होगा। मैंने ये संख्या देखी, संख्या को देखते ही मैंने पहचान लिया इसका एलसीएम कितना होगा, 99। दोस्तों किस प्रकार निकला आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इस प्रकार हम भी निकालना चाहते हैं। दोस्तों बस वीडियो को पूरा देखना, आराम से आप भी इस तरीके से निकालोगे। और दोस्तों ये वाला तरीका है ना, ये वाला तरीका ये 8वीं 10वीं में काम आता है, अब काम नहीं आएगा। ठीक है, कंपटीशन के अंदर बैठे हो, मात्र कुछ सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आप 2 मिनट के अंदर सोल्व कर रहे हो ना, तो वो आपका सोल्व करना निकल आएगा, कंपटीशन के लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल अपना टीचिंग चैनल के अंदर। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, चलो दोस्तों स्टेप बाय सीखते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, तो पहला अपना है 8, 16, 32 और 64। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी ना, उसको पकड़ लो। तो दोस्तों इसके अंदर देखना है कि इन संख्या का भाग जाता है नहीं जाता। तो 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 32 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 64 के अंदर 64 का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 64 आ गया। बस इतनी सी बात थी बस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, 5 है, 15 है, 20 है, 30 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। तो 30 हम एलसीएम अगर एक बार मानते हैं तो दोस्तों यहाँ 5 से 5 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, बचेगा क्या, 20 बचेगा, 20 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी वाली जो संख्या है उसका पहाड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, पहाड़ा। ठीक है, तो 30 का पहाड़ा बोलते हैं, 30 × 60। तो 60 देखते हैं, 60 के अंदर अगर 20 का भाग दो तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, चला जाएगा। तो 30 का तो भाग जाएगा जाएगा, 20 का भी भाग जा रहा है इसके अंदर, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अपना 60 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आराम से इजी है ना दोस्तों। फिर से समझ लो कि 5, 15 के अंदर पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 5, 15 से काट दो, 15 का भाग इसके अंदर, 30 के अंदर 15 का पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो 15 भी कट गया। तो अब इन दोनों संख्या को देखना है, तो 30 के अंदर 20 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 30 का डबल करेंगे, इसका पहाड़ा बोलेंगे। ठीक है, 30 का पहाड़ा बोलते हैं, बोला तो दो बार बोला तो कितना आ जाएगा, अपना 60 आ गया। 60 के अंदर 20 का पूरा भाग चला जाएगा, तो 60 अपना एलसीएम आ गया। चलो अगले की बात कर लेते हैं, अगला है 3, 9, 11। तो दोस्तों 3 का तो 9 के अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 3 को काट दो, और 9 और 11 जब भी दोस्तों ऐसी अभाज्य संख्या आ जाए ना, तो उसको इस संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद के अलावा और किसी के अंदर भाग नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ 11 गुणा में 9 किया, कितना आ गया दोस्तों, 99। बस जी है ना दोस्तों। अगले की बात कर लेते हैं, जैसे कि 6, 12, 13, 24। तो 6 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसका एलसीएम ये रहेगा। अब 12 का बात करूं, तो 12 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो दोस्तों ये अपना 24 और 13 बच रहा है, 24 और 13। 13 कैसी है, विषम संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ना, तो अभाज्य संख्या जब भी आ जाए ना, तो उस संख्या को, इन दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। अब 13 को इससे गुणा करेंगे, 13 × 52, 52 × 2, 5, 13 × 26, 26 × 5, 31। बस आ गया दोस्तों, इतना सा गया। अगले की बात कर लेते हैं, अगला दोस्तों जैसे कि अपने पास है 7 है, 5 है, 2 है, 4 है। तो दोस्तों 2 का तो इसमें 2 का 4 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो 2 को तो हटा दो। अब बची क्या, 7 बचा, 5 बचा और 4 बचा। तो 7 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों को गुणा कर दो और इनको गुणा कर दो। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 35 × 4 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 140। बस इस प्रकार से निकालना है। अब इसका फुल मेथड देखना चाहते हो एक बार, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों इसका पूरा मेथड देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों किस प्रकार निकाल रहे थे हम कि 2 और 4 के अंदर 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो 2 को हटा देते हैं। ठीक है, अब 3 और 4 बचा, 3 अभाज्य संख्या, तो इन दोनों को गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसका पहाड़े के अंदर देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब यही होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनके अंदर इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे कि 12 आया था, 12 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 3 का पूरा भाग चला जाता है, और 4 का पूरा भाग चला जाता है। तो अब इसके अंदर हमें देखना है सबसे छोटा नंबर जो सभी के अंदर कॉमन हो। तो दोस्तों जैसे कि 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, तो 3 इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। तो यहां 6 की बात करूं, तो 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। यहां 9 कॉमन इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, यहां 12 मिल रहा है,
यहां 12 मिल रहा है और यहां 12 मिल रहा है, जो सबसे पहले मिले कॉमन वही अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है, तो वो जरूर करना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो घंटी का निशान है उसको दबा लेना। और दोस्तों कमेंट कर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगी वीडियो नहीं लगी, जैसे भी लगी हो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।